जय श्री राम। मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिकाओं, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। अगला 5 से 7 वर्ष का जो समय होगा, करीब 2029-30 तक का जो समय होगा, वो आपके लिए कैसा रहेगा, उसमें आपका भाग्य कैसा हो, उसमें आपका व्यापार कैसा होगा, संतान से रिलेटेड क्या होगा, क्या कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर अगले आने वाला जो 5 से 7 वर्ष है उसका प्रेडिक्शन एक बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ध्यान देने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद और अपनी पसंदीदा राशि को सोच करके इस कार्य को आज मैं कर रहा हूं, इस पर आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत डिटेल्ड में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको एक ही राशि में सबके साथ एक जैसा क्यों नहीं होता है, इस पर भी जानकारी दूंगा। आप लोग जनरली कहा करते हैं ना, मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है कि राम और रावण की राशि, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, फिर दोनों के विचार, दोनों के सोच, दोनों के जीवन में इतना फर्क क्यों। तो ये जो सारे विषय है उन सभी चीजों से आज मैं इस कार्यक्रम में पर्दा खोलने वाला हूँ, आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो लंबी होगी, आपके आने वाले 5 से 7 साल के भविष्य को लेकर के होगी, बहुत सारी विस्तार से जानकारियां होंगी। बस पेशेंसली आपको देखते रहना होगी, बीच बीच में मैं इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्व है। जब भी मैं मेष राशि की चर्चा करता हूं, मुझे लगता है मैं उस व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं जिसके लिए कहा जाता है कि कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं, कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं, दिल भर जाता है, लोग रूठ जाया करते हैं। तो आइए हम आपको बताएं कि क्या खासियत, मैंने क्यों ये शब्द कहा, बिकॉज मैंने जब देखा है मेष राशि को लेकर के, मेष राशि मंगल की राशि है, काल पुरुष की पहली राशि, अगर मैं मेष राशि कहूंगा काल पुरुष की पहली राशि है, पूर्व दिशा की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, क्षत्रिय जाति की राशि है, सभी का प्रोटेक्शन करना, सभी को कोई प्रेम से दो बात बोले तो शायद उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना, ये आपके लिए सबसे जरूरी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको समझते हैं। लेकिन दिल भर जाता है, लोग रूठ जाया करते हैं, कुछ इस तरह रिश्ते टूट जाया करते हैं, दिल भर जाता है, लोग रूठ जाया करते हैं। ये बात मैंने गलत नहीं कहा है, ये वास्तविकता में सत्यता है जिसको आप जीवन में देख रहे हैं। सो मेष राशि पर और विस्तार से हम अगले 5-7 साल पर चर्चा करें, उससे पहले मेष राशि के 9 अलग अलग लोग किस प्रकार से होते हैं, किन लोगों की मेष राशि होती है, वो सारी जानकारी मैं बहुत कुछ रख करके बैठा हूं। आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, ये सारे पेपर, सारी चीजें, ये सिर्फ आपके लिए इतना डिटेल जानकारी है। सो मेष राशि बनता है अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण से, भरणी नक्षत्र के 4 चरण से और कृतिका नक्षत्र के 1 चरण से। मेष राशि में सोचिए कितने प्लैनेट इन्वॉल्व हैं। जब भी आप लोग राशिफल देखते हैं आप लोगों को लगता है कि तो बहुत साधारण है, लेकिन अश्वनी नक्षत्र के अगर स्वामी की बात कर ली जाए तो अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, यानी एक ही नक्षत्र, एक ही राशि के 9 चरण में अलग अलग 3 ग्रह, ये फिर मेष राशि के स्वामी मंगल, 4 प्लैनेट इन्वॉल्व हैं एक राशि को अच्छा या खराब बनाने में, और भी डिटेल में बात करेंगे। उसी प्रकार अश्वनी कुमार अश्वनी नक्षत्र के देवता हैं, जबकि यम भरणी नक्षत्र के देवता हैं, जबकि कृतिका के अगर देवता की बात की जाए तो अग्नि है, यानी तीनों का तत्व अलग अलग है, एक ही राशि में तत्व अलग है, एक ही राशि में स्वामी अलग है, एक ही राशि में नक्षत्र अलग है। अब आप और देखिए इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, अश्वनी नक्षत्र के स्वामी क्योंकि केतु है, ये व्यक्ति बहुत ऊर्जावान है, इस व्यक्ति को इंतजार करना पसंद नहीं है, जिसका जन्म अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है और मेष राशि है उसकी, उसको इंतजार करना पसंद नहीं है, जल्दबाजी में चाहिए चीजें और बहुत सॉफ्ट काम करना पसंद नहीं है, थोड़ा उत्पाती काम, थोड़ा खेल कूद करने वाला काम, थोड़ा रिस्क लेने वाला काम, एनर्जी वाला काम, इसी प्रकार के कार्य पसंद है। ये व्यक्ति साधारण कार्यों पर भरोसा नहीं करता है, अगर ये फिल्म में एक्टिंग भी करता है तो विलेन की एक्टिंग करता है इसको, या हीरो की एक्टिंग करता है, इसको कोई सॉफ्ट सा किरदार
पसंद नहीं आता है। लेकिन वहीं पर दूसरा ही अश्वनी की बात कर रहा हूं, मेष राशि की ही बात कर रहा हूं, भरणी नक्षत्र है जिसके स्वामी शुक्र है, इसको अपने आप को सजाना, अपने आप को श्रृंगार करना, अपने आप को सुंदर बना करके रखना, म्यूजिक सुनना, ऐसे सुंदर सुंदर कार्य करना पसंद है इसको। बहुत उछल कूद ये सब चीजें पसंद नहीं है, इसको सॉफ्ट रहना पसंद है, मुस्कुरा करके रहना पसंद है। अच्छा, इसी में तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका। सो कृतिका नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उसको ब्यूरोक्रेट्स बनना, लोगों पर शासन करना, लोगों के लिए अच्छी मतलब सही रास्ता दिखाना, कोई अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करना, ये पसंद है कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र के जातक जातिका को। सो एक ही राशि में इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं, इन पर हम बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। सो पहले मेष राशि में नौ चरण में लोगों का जिनका जन्म हुआ है, अश्वनी, मैंने कहा कि अश्वनी भरणी और कृतिका का पहला चरण ये मेष राशि के जो संयोग हैं उसको लेकर के माने जाते हैं। पहले चरण में अगर जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति को, मैं नौ अलग अलग मेष राशि के नौ अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूं, फिर आने वाले समय को लेकर के बात करूंगा कि आपका अगला पांच से सात साल कैसा रहेगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा है लेकिन बड़ी काम की है, आपको ऐसी वीडियो आज तक यूट्यूब में कहीं प्राप्त नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सो पहले चरण में जन्म हो तो व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है, उसको बहुत सारी सुख समृद्धि प्राप्त होती है और एक अच्छे जीवन को व्यतीत करता है। शास्त्र कहता है कि अगर मेष राशि के पहले चरण में जन्म हो तो राजा होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति खूब धनी होता है, उसको शेयर मार्केट इत्यादि में खूब पैसा लगाना चाहिए, किराए इत्यादि पर, किराए इत्यादि का काम करना चाहिए, किराए इत्यादि पर घर इत्यादि देना चाहिए, धन से संबंधित। अच्छा, अगर मैं दूसरे दृष्टि से इस पर बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति को बैंकिंग के क्षेत्र के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसे क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए जहां से डायरेक्टली धन आ सकता हो, तो धन के लिए बेहतर है। तीसरे चरण में जन्म होता हो तो विद्वान होता है, इसको हमेशा एजुकेशन के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाहिए, कार्य भी एजुकेशन इत्यादि से संबंधित ही क्या करना चाहिए। चौथे चरण में हो तो गुरु भक्त होता है, अपने शिक्षक इत्यादि की बड़ी सेवा करने वाला, टीचर इत्यादि का बहुत प्रिय, जिन्होंने कुछ सिखाया है उनके प्रति हमेशा सम्मान रखने वाला गुरु भक्त होता है, और उसको कार्य भी ऐसे ही करना चाहिए जिसमें दूसरे की सेवा छुपी हो। उस पर जाऊंगा तो ये वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा, उतना आप सुन नहीं पाएंगे, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। पंचम भाव में अगर हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा उसको कमीशन ओमीशन खाने की आदत रहती है, कहीं से थोड़ा कुछ आ जाए, कहीं से कुछ थोड़ा आ जाए, ये बिचौलिए का काम अगर करता है या करती है तो ऐसे को बड़ा फायदा होता है। इनसे चीज लेकर के उनको बेच दिया, उनसे चीज लेकर के उनसे बेच दिया, थोड़ा इधर कमीशन मिल गया, थोड़ा उधर कमीशन मिल गया, थोड़ा टैक्स में बचा लिया, इस प्रकार के काम जो बिचौलिए वाले काम हो सकते हैं उसको करता है तो फायदेमंद होता है। छठे में जन्म हो तो ऐसी दिक्कत, ऐसे व्यक्ति को ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, वो जानता सब कुछ है या जानती सब कुछ है लेकिन वो अपनी बातें रख नहीं पाते हैं दूसरों के सामने, इनको भाषाहीन कहा जाता है। सो ये लोग अपनी बातों को ढंग से रख ही नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सब कुछ जानते हुए जनरली ये लोग समाज में पीछे रह जाते हैं, कैपेबिलिटी होते हुए भी, क्योंकि इन्होंने काम तो किया लेकिन अपनी बात को सामने ढंग से रख नहीं पाए। सप्तम में अगर जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा साधु या योगेंद्र या लोगों को ज्ञान देने वाला या लोगों में पूज्य इस प्रकार का व्यक्ति होता है, और उसको इसी से रिलेटेड काम भी करना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर अष्टम में जन्म होता है तो धन को लेकर के बहुत दिक्कतें होती हैं, ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है, बहुत मेहनत करता है लेकिन धन की हमेशा कमी उसके जीवन के अंतर्गत बनी रहती है। नवे में जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति शुभ लक्षणों से युक्त होता है, कई बार आप देखते हैं ना कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद उस घर के अंदर खूब वृद्धि हो गई, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के बाद उस घर में खूब वृद्धि हो गई, खूब सफलता प्राप्त हो गई, खूब प्रसन्नता व्याप्त हो गई और जो रुके हुए कार्य थे वो बनने लग गए, ऐसे बहुत लोग, तो ये शुभ लक्षणों से युक्त होता है। इसका अगर सुबह सुबह कोई सकल देख ले तो उसका पूरा दिन बेहतर जाता है, उसका कार्य बन जाता है। सो इस प्रकार की परिस्थिति होती है नौ चरणों में। लेकिन क्या होता है, और अगर मैं इसके लिए बात करूंगा, जब इनका एक महीने का होता है, जब ये एक महीने के होते हैं तो इनके जीवन में कष्ट इत्यादि बहुत आता है, स्वास्थ्य इत्यादि खराब होता है,
13 वर्ष में मरण तुल्य कष्ट होता है। जब 13 वर्ष के होते हैं तो पानी में डूबने इत्यादि का भय होता है, मरण तुल्य कष्ट होता है। 18 वर्ष में इनको चोट लगती है, अगर आप मेष राशि के तो 18 वर्ष में चोट के आघात होते हैं। 64 वर्ष में रोग होता है शरीर के अंदर, भयानक रोग होता है। 50 वर्ष के अंतर्गत चोरी होता है और लोहे से चोट इत्यादि लगती है, पीड़ा इत्यादि होती है। अब अगर लोहे से पीड़ा इत्यादि होती है, अगर इस उम्र को क्रॉस कर ले जाते हैं, और वो थोड़ा डिटेल विषय होगा कि यदि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे कंडीशन में 75 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, 75 वर्ष की जब उम्र व्यतीत हो जाती है, 75 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब मंगलवार को कृतिका नक्षत्र चतुर्थी तिथि कार्तिक मास, क्षमा चाहूंगा, मंगलवार को कार्तिक मास चतुर्थी तिथि और भरणी नक्षत्र एक साथ आता है, तो ऐसी परिस्थिति में इनके मृत्यु का योग बनता है। तो मैंने ये मेष राशि के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आयु को लेकर जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं उसको लेकर के बहुत आप सोचें, जो परिस्थितियां हैं, जो ज्योतिष कहती है, वो मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। सो ये कुछ जनरल एक आपके लिए जो प्रेडिक्शन है, जो आपके लिए बेहतरीन जानकारी है, जो हमारी एक विशेष रिसर्च थी, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब आइए बात करते हैं कि अगला जो 5 से 7 वर्ष का समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम गुरु पर बात कर लेते हैं कि भाग्य एक इंपॉर्टेंट विषय है। शास्त्र कहता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। भाग्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाग्य साथ दे तो जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी आपको प्राप्त हो जाती है। सो बृहस्पति आपके लिए, जो कि भाग्येश हैं, आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, वो आपके राशि में यानी 2024 में मई महीने में, 2024 से पहले आपके राशि में गोचर करेंगे, एक अच्छी परिस्थिति है। 2024 के बाद वो पहुंचेंगे वृष राशि के अंतर्गत, यानी आपके 2nd हाउस में। यहाँ आपका भाग्य बड़ी प्रबलता से साथ देगा, आपकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। ध्यान रखिए, शनि आपके 1st भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी नींद में थोड़ी डिस्टरबेंस रहने वाली है, बेकार के खर्चों को लेकर के आप पीड़ित रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के 2nd हाउस में होने के कारण आर्थिक परिस्थितियां खूब अच्छी रहने वाली हैं और धन का आगमन आपके जीवन में होता रहेगा। घर में मांगलिक कार्य का स्पेशली आयोजन होता रहेगा, प्रोफेशन में भी अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगली बार अगर हम, अभी हम थोड़ा भाग्य को लेकर के बात करें, फिर नौकरी को लेकर के आएंगे। उसके बाद बृहस्पति का प्रवेश होगा 17 मई 2025 को, 17 मई 2025 को बृहस्पति प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, यहां आपके भाग्य पर दृष्टि देंगे। सो भाग्य आपका और प्रबलता से जीवन के अंतर्गत आगे जाएगा, भाग्य जो है और प्रबलता से यहां पर आगे जाएगा। धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और कोई बड़ा पद आपको इस टाइम पर जरूर ऑफर किया जाएगा। अब वहीं पर जो 10th हाउस के स्वामी हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 10th हाउस के स्वामी होंगे यहां पर शनि, वो आपके 30 मार्च 2025 को मीन में चले जाएंगे, यानी मीन में जाएंगे तब ये 2nd भाव में, ये 2025 में 3 मार्च को चले जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत। अब क्योंकि यहां ये भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं और यहां पर शनि मीन राशि में चले गए हैं, इसका मतलब क्या सूचना मिल रही है, इसका मतलब ये सूचना मिल रही है कि जो प्रोफेशनल लाइफ रहेगी आपकी, उसमें बहुत सारे डिसबैलेंस आने वाले हैं, बहुत सारे जो टर्बुलेंस है, जो मैं कह सकता हूं अवरोध है, वो आपके उत्पन्न होने वाले हैं। लेकिन उस अवरोध के बाद भी बृहस्पति क्योंकि 9th हाउस को देखेंगे तो उस अवरोध को संभाले रहेंगे। तो अगर 2025 में जाकर के आपके जीवन में, 2024 का कंडीशन तो करीब अच्छा दिख रहा है, ठीक ठाक रहेगा। 29 जून 2024 में शनि वक्री हो जाएंगे, 10th हाउस में रहेंगे, अच्छी परिस्थिति में रहेंगे, आपके 1st भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके 10th लॉर्ड हैं। और उसके बाद 14 नवंबर 2024 को फिर मार्गी होंगे वक्री होने के बाद, तो वहां परिस्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन 2025 में जो इनका परिवर्तन मार्च में होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां अगर आप अपने देश में हैं, जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है, तो थोड़ा टर्बुलेंस आएगा, बट बृहस्पति उसको संभाले रहेंगे।
अब अगर विदेश में आप नौकरी के लिए प्रयास करें, ध्यान रखिएगा ये समय इस प्रकार का होगा जब विदेश में आपके नौकरी का संयोग बनेगा, विदेश में आपको नौकरी को लेकर के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, विदेश यात्रा का योग होगा। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को विदेश तक लेकर के जाएंगे, या आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी फॉरेन में हो जाए, विदेश में हो जाए, या विदेश चले जाएं, इस प्रकार की परिस्थितियां मुझे दिख रही है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, देखो जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छी नींद को प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12th हाउस में जब शनि राहु दोनों चले जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में नींद में डिस्टरबेंस जरूर आएगी। सो प्रॉपर सोने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन इत्यादि करते हुए नींद पर प्रॉपर काम करना है, ये फायदा होगा। एक और चीज, दो प्लैनेट जब शनि और राहु 12th हाउस में जाकर एक साथ गोचर करेंगे, और ये जो परिस्थिति रहने वाली है ये आपका 30 मार्च 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक रहेगी। 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होंगे, ध्यान रखना। तो इस समय तक कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से सावधान रहिएगा, टैक्स इत्यादि जो अपने हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखिएगा। यहां उससे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से सावधानी रखिएगा, सावधानी से कीजिएगा यहां पर, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव के स्वामी होंगे और द्वादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे तो आपको आर्थिक लॉस देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो यहां इस सावधानी से आपको बचना होगा, स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा इत्यादि के शौकीन हैं उनके लिए मेरी राय रहेगी कि जो भी आपको इसमें पैसा लगाना है उसको 30 मार्च 2025 तक आपको लगाना चाहिए, 30 मार्च 2025 से लेकर के और 27 जुलाई 2026 के बीच में यहां पर पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, 27 जुलाई 2026 से लेकर के और शनि, क्योंकि यहां वक्री होंगे 27 जुलाई 2026 को लेकर के और 10 दिसंबर 2026 को फिर मार्गी होंगे, तो इस बीच में आप शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बीच में आर्थिक लाभ, शेयर मार्केट में पैसा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट या कोई भी नई चीज खरीदने इत्यादि का कार्य आप कर सकते हैं। इस समय पर व्यापार में वृद्धि और जो आर्थिक लॉस हो रहा था उस लॉस से आप बच पाएंगे। ये समय होगा 27 जुलाई 2026 से लेकर के और 10 दिसंबर 2026 के बीच में जब शनि फिर से मार्गी होंगे, ये होगा 10 दिसंबर 2026 को। अच्छा, फिर 4 जून 2027 से, ध्यान रखिएगा, 4 जून 2027 से लेकर के 9 अगस्त 2027 तक फिर से शनि जो है वो मेष में पूरी तरह मार्गी होकर के प्रवेश करेंगे। तो फिर से वो सारी परिस्थितियों को ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरह से सावधानी रखना है, बेकार का खर्च इत्यादि से अपने आप को बचा के रखना है, और नींद इत्यादि के लिए आपको अच्छी तरह से मेडिटेशन इत्यादि करना है। अब इन्हीं समय में अगर हम बात करते हैं तो बृहस्पति, क्योंकि आपके भाग्यश हैं, खैर वो बहुत सपोर्ट करेंगे, बिकॉज थर्ड हाउस में रह करके, मिथुन में रह करके वो भाग्य को पूरी तरह से आपके दृष्टि देने वाले हैं। सो मिथुन में फिर वक्री होंगे 1 दिसंबर 2025 से, फिर मिथुन में ही वक्री रहेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा, वृष राशि से लेकर के आर्थिक परिस्थिति अच्छी करेंगे। फिर 8 मार्च 2026 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बृहस्पति चले जाएंगे आपके कर्क राशि के अंतर्गत, और कर्क राशि में आपके फोर्थ हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। तो स्पेशली अगर मैं मेष राशि की बात करता हूं तो यहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ा फायदा मुझे दिख रहा है। मेष राशि के जितने मेरे जातक जातिका हैं मैं उनके लिए चर्चा कर रहा हूं कि यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ा लाभ, चाहे वो कोई बड़ा लैंड आपका कोर्ट इत्यादि में अटका हुआ है, मकान को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप अपने एक स्पेशल प्लेस है जहां पर आप अपना ट्रांसफर इत्यादि चाहते हैं, या घर खरीदने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो ये सारा रिजल्ट जैसे ही 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, ये सारी चीजें आपकी अपने आप काम करना शुरू कर देंगी।
खैर ये समय उनके लिए भी बहुत शानदार होगा जो लोग पॉलिटिकल जगत के अंतर्गत काम कर रहे होंगे। पॉलिटिकल जगत के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा बृहस्पति के कर्क राशि में जाने से। अच्छा, अब संतान को लेकर के थोड़ी लंबी चर्चा कर लेते हैं कि संतान को लेकर के आखिर क्या रहेगा। जो नौ दंपत्ति संतान को लेकर के परेशान हैं, क्या उनके लिए बृहस्पति कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं? यस, तो 2024 में बिफोर मई संतान को लेकर के या संयोग बन रहा है या निश्चित रूप से 31 अक्टूबर 2026 से, डेट आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा भी आप लोग चेक कर सकते हैं, 31 अक्टूबर 2026 जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके पंचम भाव के अंतर्गत जाकर के प्रवेश करेंगे, ये समय संतान से संबंधित रिजल्ट के लिए सबसे बेहतरीन समय होने वाला है। तो जो भी लोग मेष राशि के हैं और संतान को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो 2026 में 31 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में 2026 में संतान को लेकर के गुड न्यूज आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है, बिकॉज इस टाइम पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके ऊपर पड़ने वाली है। सो संतान को लेकर के शुभ समाचार 2026 में प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के सबसे शानदार जो रास्ता है वो 2025 में ही आपको मिलने जा रहा है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं, फिर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कब होंगे, 15 दिसंबर 2026 से लेकर के और 24 जनवरी 2027 के बीच में फिर कर्क राशि में वक्री होंगे। यानी यहां से प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के फिर से एक शानदार संयोग बनाएंगे। सो अगर प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई मामला रह गया है या प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यहां पर आपके लिए एक शानदार रिजल्ट बृहस्पति फिर से देने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में मैं बृहस्पति को देखूं तो करीब करीब मेष राशि के लिए बृहस्पति का जो संयोग है वो 27 नवंबर 2027 तक बहुत शानदार रहने वाला है। 27 नवंबर 2027 को जाकर के बृहस्पति आपके लिए कन्या राशि में गोचर करने जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि शनि आखिर क्या परिस्थिति देख रहे हैं, अच्छा इधर एक राहु की भी कंडीशन है कि राहु हमारे लिए कहां गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि के लिए जब मैं राहु की बात कर रहा हूं तो 18 मई 2025 को जाकर के राहु कुंभ राशि में गोचर करने आएंगे, 15 दिसंबर 2026 को आपके दशम भाव के अंतर्गत गोचर करने आएंगे और उसके साथ 23 जून 2028 को वो आपके नौम भाव में गोचर करने आएंगे। तो एक इनका जो एक साथ में कंडीशन है, मैं सभी को ऐड करके ही आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे थे शनि को लेकर के, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या कंडीशन रहेगी। सो हमने बात किया था 2027 को कि मीन राशि के अंतर्गत 2027 में 18 अक्टूबर तक मीन राशि में रहेंगे, मार्गी होकर के 29 दिसंबर 2027 तक मार्गी ही रहेंगे, फिर 29 दिसंबर के बाद 24 फरवरी 2028 को शनि मेष राशि के अंतर्गत जाएंगे। 24 फरवरी 2028 को शनि मेष राशि के अंतर्गत जाएंगे क्योंकि शनि मेष राशि में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो 10th हाउस के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं। शनि जब तक की मीन राशि के अंतर्गत हैं तब तक परिस्थिति प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत कहीं ना कहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही शनि आपके कुंडली के अंतर्गत मेष में जा रहे हैं 24 फरवरी 2028 को, यहां पर शनि 10th हाउस के स्वामी होकर के, ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम शनि को देखते हैं तो शनि आपके राशि में 10th हाउस के स्वामी होकर के नीचस्थ होंगे आपकी राशि में। काम निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्य आपका बढ़ेगा, आर्थिक लाभ भी शनि आपका बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि आपकी राशि में शनि नीचस्थ होंगे इस टाइम पर, आप खैर उससे पहले ही आप साढ़े साथी के प्रभाव पर आ जाएंगे, शनि की साढ़े साथी चल रही होगी, शनि आपकी राशि में भी होंगे, नीचस्थ होंगे, तो स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर कंडीशन आपके लिए थोड़ी डिसबैलेंस रखने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल ना रहे, इस प्रकार की कंडीशन शनि लेकर के आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये रहेंगे आपके लिए 24 फरवरी 2028 से लेकर के 22 अगस्त 2028 तक नीचस्थ रहेंगे। 22 अगस्त 2028 को वक्री हो जाएंगे, वो चले जाएंगे द्वादश भाव में, तो पहले वाली परिस्थिति यानी अर्थ लाभ इत्यादि को ना सपोर्ट करने वाली परिस्थिति रहेगी। 5
जनवरी 2029 को फिर से मार्गी होंगे। 9 अगस्त 2029 ध्यान रखिएगा, मैं अगर शनि की एग्जैक्ट परिस्थिति आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के देखने का प्रयास करूंगा तो मैं आपको एक पीरियड बता रहा हूं जिस पर आपको ध्यान रखना है। इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, सावधानी के साथ देखिए, शेयर करके रख लीजिए, जो लोग मेष राशि के हैं उनको भी शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब मीडिया में शायद देखने को ना मिले। जब हम शनि की बात करते हैं, जहां से शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं वहां से अगर मैं उठाकर शनि की बात करता हूं इस कुंडली के अंतर्गत, सो परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल मुझे नजर आ रही हैं। अगर मैं स्पेशली शनि की बात करूं 30 मार्च 2025 से लेकर के 30 मार्च 2025 से लेकर के और जब तक कि शनि वृष राशि में प्रवेश नहीं कर जाते हैं 9 अगस्त 2029 तक, 30 मार्च 2025 से लेकर के और 9 अगस्त 2029 यानी 4 वर्ष का जो समय होगा मेष राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ को काफी डिस्टर्ब करने की परिस्थिति में रहेंगे, यानी शनि की परिस्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इस समय पर शनि को लेकर के बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपको बहुत सारे शनि से रिलेटेड जो रेमेडीज हैं, जैसे उनका पूजन है, उनका ध्यान है, महाकाल का भस्म है, शिव की सेवा है, इन सब पर ध्यान रखना होगा। बृहस्पति खैर इस टाइम पर आपके लिए सपोर्टिव हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस स्पीड से दौड़ना जिस स्पीड से आप दौड़ना चाहते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल रखेंगे। लेकिन 9 अगस्त 2029 जैसे ही शनि वृष राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर 2029 तक का जो समय होगा या 2030 तक की अगर बात कर लेता हूं, जैसे ही वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो जितने डिस्टर्बेंस उन्होंने पहले क्रिएट किया है वो डिस्टर्बेंस आपकी दूर हो जाएगी। साथ में बृहस्पति इधर सपोर्ट कर ही रहे हैं, बृहस्पति आपके लिए तुला राशि तक लास्ट में जाएंगे, करीब 2030 तक 24 अगस्त तक आपके लिए बृहस्पति तुला राशि में जाएंगे। बृहस्पति थोड़े समय जो आपको नुकसान करने जा रहे हैं वो समय आपके लिए स्पेशली जब वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे ये होगा 26 नवंबर 2027 से लेकर के और जो समय होने वाला है इनका ये 27 सितंबर 2028। इस समय में थोड़ा मार्गी वक्री होकर के बीच बीच में थोड़ा आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अन्यथा बृहस्पति का सपोर्ट होने से शनि का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी आपके कुंडली में उनकी क्या परिस्थिति है इस पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूँ, आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके लाइव में फ्री बात कर सकते हैं, बट आगे पीछे बात करने के लिए आपको समय लेना होगा। खैर मैंने प्रयास किया है कि इसमें डिटेल्ड जानकारी आपको दी जाए, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक समय लेकर के विस्तार से चर्चा कर सकें। आपके लिए हम हमेशा कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं तो आप हमारे साथ उसमें भी जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत खुश रखें, इन्हीं शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूँ विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।